नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी की ओर से राष्ट्रपति अभिभाषण चर्चा कार्यक्रम के जरिए जगह जगह स्थित शक्ति केंद्रों के माध्यम से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। इसी क्रम में रुड़की की सैनिक कॉलोनी में भाजपा नेत्री अर्चना सैनी के आवास पर राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर जिला संयोजक संजय अरोरा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पढ़े गए भाषण में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। जो कार्यक्रम रखा गया है वो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। बूथ सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हमारे बूथ स्तर तक के सभी कमेटियाँ तैयार हो रही हैं और माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उसे यहाँ पढ़ा गया। जो भी केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पढ़ी हैं उनकी चर्चा हमने आम जन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं हर व्यक्ति तक नहीं पहुँचती, इसलिए हर शक्ति केंद्र पर यह आयोजन किया गया है। उस शक्ति केंद्र में मिनिमम 3 बूथ या मैक्सिमम 6 बूथ तक हो सकते हैं। यहाँ 4 बूथ थे, उन 4 बूथ की मीटिंग रखी गई जिसमें लोगों को बताया गया कि हमारी केंद्र सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या कार्य आगे भविष्य में होने वाले हैं और 2024 के लिए हम सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, माननीय मोदी जी को वोट देना चाहता है। वहीं भाजपा नेत्री राखी चंद्रा, पूजा नंदा, मिथिलेश सैनी व पार्टी नेता पंकज नंदा ने भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्हें जन जन तक पहुंचाने की अपील की। ये जो हमारा प्रोग्राम है राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा का एक कार्यक्रम, जो हमारे राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया था उसको जन जन तक पहुंचाना, और क्योंकि अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए हमारी सरकार काम करती है, तो ये जो है हमें जन जन तक पहुँचाना कि हमारी सरकार ने जो भी कार्य किया, जो योजनाएं दी, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की है, उज्ज्वला योजना की है, आयुष्मान कार्ड, आपने देखा कोरोना काल में कितने लोग जो है सब सोच रहे थे कि किस तरीके से कार्य होगा, लेकिन जो कार्य किया गया हमारी सरकार द्वारा, चाहे वो वैक्सीनेशन बनाने का हो, वैक्सीन देने का हो और मुफ्त लोगों को लगाने का हो, और तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाए गए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया, ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हम बताएं, आवास योजना के तहत उनको आवास भी दिलाए गए, ऐसी बहुत सारी योजनाओं का उनको दिखाया गया, उनको ज्ञान दिया गया और उनको बाकी जो वो ऐसा सोच सकते थे हमारी बेटियां जो हैं वो क्या नहीं कर सकती सब कुछ, तो ये दिखाया भी गया है। कई जनजातियों के लिए काम किया, चाहे वो आदिवासी जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, सभी के लिए, तो हमारे देश में सभी को बराबर स्थान दिया जाता है और ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने बताया है और उसी अभिभाषण की चर्चा हम अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। हम गर्व करते हैं कि ऐसा प्रशासन हमारे साथ है, ऐसे लोग हमारे ऊपर बैठे हैं कि अंतर आत्मा तक प्रसन्न हो जाती है। मेरा वार्ड बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा, मेरे वार्ड में मेरे वार्ड में बीजेपी का रहेगा, यहाँ पर कोई पार्टी वाला नहीं घुस सकता, हमारा ये वादा है। वादे करते हैं तो हम निभाते भी हैं। जब से मैं पार्टी में आई हूँ, मेरे को 18 साल की उम्र से मैं कमल खिलाती आ रही हूँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है अगर मेरे वार्ड में कोई दूसरी पार्टी का आदमी आ जाए। मैं ऐसा भी नहीं करती, मैं अपने जो बीजेपी के लोग होते हैं मैं उनके जाती हूँ, मैं ऐसा भी नहीं करती कि चोरों में से क्या बसपा वाले का स्वागत करी आई, या मैं कांग्रेस का स्वागत करी आई, या मैं समाजवादी का स्वागत करने आई, या मैं बीजेपी वालों को अपने घर में बैठाया आई, या मैं क्या नाम दूसरी पार्टी वालों को अपने घर में 2-4 औरतें इकट्ठी करके थोड़ा पैसा कमा लिया, मैं ये काम नहीं करती। मैं तो शहर निकले उधारती हूँ और शहर के जरिए काम करती हूँ, और जो मेरे वार्ड की तरफ गलत हाथ उठाएगा तो मैं वहाँ छोड़ के रख दूंगी। आज कार्यक्रम राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा है। हमारी सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो भाषण दिया था उसके जो अंश हैं जो कि हर शक्ति केंद्र पर पढ़े जाने हैं वो पढ़े गए, और एक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति अंत्योदय योजना जिसे कह सकते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कहाँ जा रहा है, क्या योजनाएं चल रही है, उसके बारे में चर्चा की गई। सर, आने वाले चुनाव के बारे में आपका? भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा 2024 के लिए कमर कस ली और बिगुल बजा दिया है, और वास्तव में दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं जो ये काम कर पाएगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही 2024 का चुनाव जीतेगी। भाजपा नेत्री मिथिलेश सैनी के आवास पर हुए इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय अरोरा, पार्षद राखी चंद्रा,
संयोजक पूजा नंदा, मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, मंडल अध्यक्ष संजीव तोमर, मंडल प्रभारी गीता कार्की, सुधीर शर्मा, धीरज पाल, पार्षद चावमनी, सतीश शर्मा, अमित प्रजापति के साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। एआरआई न्यूज के लिए अर्चना सैनी के साथ लोटन चौधरी की रिपोर्ट।